येन बद्धौ बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बंधनामी रक्षे माचल माचल। हर बहन चाहती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे, दीर्घायु रहे, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके भाई से हर एक आकस्मिक विघ्न बाधा दूर हो जाए और भाई के भाग्य का परचम लहराता रहे। इसके लिए मैंने और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने भाई और बहन के इस अटूट रिश्ते के लिए एक राखी का निर्माण और उसे विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करने का कर्म पूरा कर लिया है। अभिमंत्रित की गई राखी अक्षत कुमकुम के साथ आपको हम भिजवा रहे हैं। बस आप अपना एड्रेस दीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामयाब होने का जुनून मुझे कुछ इस तरह चढ़ा कि मैंने अपने कदमों को केवल अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही रोका और इसे समझ लिया तो आप भी यानी मिथुन राशि वाले लोग अगस्त महीने में कामयाब हो सकते हैं और यही सफलता का गुरु मंत्र बनेगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश रुमाली और आप देख रहे हैं मिथुन राशि अगस्त राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर अगस्त में आपको अलर्ट रहना चाहिए और कौन सी शुभ डेट से बिजनेस और वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, स्टूडेंट और लर्नर, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करेंगे और यादगार और शानदार अगस्त बनाने के होंगे विशेष उपाय। लेकिन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। देखिए शुरुआत में ही 6 अगस्त से शुक्र धन भाव में कर्क राशि में रहेंगे, 10 अगस्त से मंगल 12th हाउस में वृषभ राशि में रहेंगे, 17 अगस्त से सूर्य 3rd हाउस में सिंह राशि में अपने ही घर में रहेंगे, 20 अगस्त से बुध 4th हाउस कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि होकर भद्र योग बनाएंगे, 31 अगस्त से शुक्र 3rd हाउस सिंह राशि में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप मैं और कोई भी आम खास कोई भी हो, महीने में आप नोट करना 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारा टेंशन, डिप्रेशन, काम नहीं बनते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, किसी झंझट में फंस जाते हैं और कुछ ना भी हो तो ऐसी अनचाही दुर्घटनाएं, ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं है। वो वक्त तब होता है जब मिथुन राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, वो 4th, 8th, 12th चले जाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए डेट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसमें अलर्ट रहें। 2, 3, 29 और 30 अगस्त को 4th रहेंगे, 11, 12 अगस्त को 8th, 19, 20 अगस्त को 12th रहेंगे। अब इसके अलावा कुछ शुभ योगों से कुछ शुभ डेट्स भी हमने तैयार किए। सबसे पहले बात करेंगे गज केसरी योग, जिसमें गुरु चंद्रमा का केंद्र का संबंध हो तो ये बनता है। 2, 3, 9, 10, 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग, 17 से 20 अगस्त तक 3rd हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, 19-20 अगस्त को 12th हाउस में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग रहेगा और 20 अगस्त से 4th हाउस में भद्र योग और इस पूरे महीने 10th हाउस में हंस योग रहेगा। अब ये तो ग्रह नक्षत्र आपको आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन देवी देवता भी देंगे। 11 अगस्त रक्षाबंधन, 14 अगस्त कजरी तीज, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और साथ में 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 23 अगस्त को बछ बारस और 31 अगस्त से होगी गणेश चतुर्थी और चतुर्दशी तक का पर्व। आइए बिजनेस और वेल्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए बिजनेस हाउस के लॉर्ड जो देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं, वो एक तो केंद्र में विराजमान है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जिसे हम हंस योग कहते हैं। आपके कितने भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका काम आगे बढ़ा दें, बस अपना उत्साह आपको बना के रखना है। बिजनेस के कारक बुध 20 अगस्त से 4th हाउस में भद्र योग बनाएंगे तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, फाइनेंशियल जो सेटअप करना है वो आप प्रॉपर टाइप से कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा कर पाएंगे, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके बिजनेस को 4 चांद लगाएंगे। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो पुरजोर कोशिश करिए, कामयाबी बस मिलने ही वाली है। जब तक काम पूरे न हो जाए तब तक किसी को न बताएं। 1, 17, 18, 27 और 28 अगस्त को चंद्रमा का बिजनेस हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, नए इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाएंगे, अपने स्टाफ को मोटिवेट करिए, वेबिनार सेमिनार का आयोजन करिए और कहीं ना कहीं रीशफल करिए, नए लोगों को रिक्रूट करिए, उत्साह भरिए उनके अंदर। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बस लीगल इश्यूज को चेक कर लीजिएगा। राहु की नवमी दृष्टि बिजनेस हाउस पर होने से बार बार आपको एक अज्ञात भय सताएगा। ये सुटेबल टाइम है कि आप एक्सपांशन करें,
लेकिन अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता, इसमें आप रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लोगों के लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, इसलिए अज्ञात लोगों पर या जो स्ट्रेंजर्स है उन पर आपको जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। एक तो 10th हाउस में स्वग्रही बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के अनुसार आपको काम दिलाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयड पर्सन को भी जॉब मिलेगी और एम्प्लॉयड पर्सन को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। मेहनत अब रंग लेकर आएगी, इसलिए आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा। 6, 7, 8, 24, 25, 26 अगस्त को चंद्रमा का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा। जॉब बदलना, जॉब में ही कोई बदलाव, अपने प्रोफाइल को और बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, सीखकर अप्लाई करना, थोड़ी रिस्क लेना और अपने रूटीन को बदलना, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ये सब आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वर्कलोड भी साथ में आगे बढ़ाएंगे। शनि की, शनि और बृहस्पति का 3/11 का संबंध और शनि की तीसरी दृष्टि, मेरे प्रिय साथियों, शनि की तीसरी दृष्टि दशम स्थान यानी कर्म स्थान पर होने से ऑफिस में और वर्क प्लेस में आपकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रेसिव है, लेकिन कुछ लोग उसे खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको इससे बचना है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी इमेज ताक पर रख के आप कोई दूसरा काम ना करें, बल्कि इमेज को आगे रखिए। 17 अगस्त से सूर्य का दशम स्थान से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब अगर कर रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अंगारक दोष बना हुआ राहु मंगल का, तो यह आपको 11th हाउस में, इसलिए आपको ट्रैवल करने के मौके मिलेंगे, अपने स्किल क्वालिटी का दमखम दिखाने का मौका मिलेगा, और पढ़िए और अच्छा काम करिए रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ। अब आइए बात करते हैं मंत्री वास्तु टिप की। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में कोई भी नल टपक रहा है या कहीं पर भी वेस्टेज हो रही है, तो ये आपके पैसे भी वेस्ट करेंगे, आपके रिलेशन भी खराब करेंगे, तत्काल इसे ठीक कराइए, समस्याएं बंद हो जाएगी। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, घर में शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन होना, अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। पति पत्नी या जो पार्टनर के घर से गुरु का दशम स्थान में जाना, सुख 4 और 10 का संबंध यानी सुख और कर्म का संबंध और हंस योग बनाना, आपकी अंदर स्किल क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उसे प्रोफेशनली भी यूज करिए। घर की साज सजावट, नया घर, कुछ नया खरीदना, वस्त्र आभूषण के लाभ मिलने वाले हैं। 6 अगस्त से शुक्र का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे अगस्त में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के रिश्तों में आनंद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जेलस आपके अंदर रहेगी, आपको लेकर किसी और के अंदर जेलस रहेगी जो आपको परेशान कर रहे हैं, फंसाने का काम करेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। शुक्र आपका लग्न में है और 2 बार चेंज करेंगे राशि में है, जिस वजह से आपकी ड्रेसिंग सेंस और बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम पर्सनैलिटी रहेगी, कोई मानसिक और शारीरिक रोग था वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से सिंगल पर्सन को कोई नया साथी और कंपेनियन मिल सकता है, लेकिन पूरा भरोसा मत करिएगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के ये संकेत दे रहा है, थोड़ा संभल जाएं। अब बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर की। नौ अगस्त तक मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर मेडिकल, टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पॉजिटिव रिजल्ट स्टूडेंट को मिलेंगे, मोरल उनका बूस्ट होने वाला है। 13, 14, 21, 22, 23 अगस्त को चंद्रमा का पढ़ाई के घर से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे लर्नर्स अपने स्किल को और तराशने में कामयाब होंगे और परफेक्शन आपको परफेक्शनिस्ट की तरफ लेके जाएगा। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए केंद्र का बृहस्पति और सूर्य का स्वग्रही होना वरदान साबित हो सकता है, जी तोड़ मेहनत करिए। गुरु का पंचम भाव से हालांकि षडाष्टक दोष है, इसलिए मोबाइल और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस, प्यार, इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, गॉसिपिंग, नशा, इन सब से बाज आ जाएं, नहीं तो ये आपके ऊपर पानी, आपके सपनों पर पानी फेर देंगे। अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। इस महीने 4 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 11, 12 अगस्त को अष्टम भाव से शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा, जिससे अगस्त में गैर जरूरी और फालतू की यात्राएं न करें, जबरदस्ती किसी और के साथ टंग के न चले जाएं, इस पर ध्यान दीजिए।
अगर आप ड्रिंक और ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत संभल जाएं, क्योंकि ये जो दोष है ये आपको परेशान कर सकता है। अंगारक दोष और षडाष्टक दोष। 10 अगस्त से मंगल की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होने से मेंटली और फिजिकली फिट और हिट रहने के लिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन अब दिखाना होगा। मेरे प्रिय साथियों, अगस्त महीने में भूलकर भी क्या नहीं करें इसे जान लीजिए। रिश्ते नातों में ज़्यादा अपेक्षा किसी से भी ना रखें। आप स्वयं किसी का भी अपमान न करें और ना ही आपके सामने किसी का अपमान हो रहा है तो उसे सहन करें। घर में पूजा अर्चना करते हुए अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखें। अब आइए उपाय की बात करते हैं जो यादगार और शानदार अगस्त बना देंगे सभी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। ग्यारह अगस्त रक्षाबंधन है। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद माँ दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाकर उन्हें राखी अर्पित करें। भाई को बेसन से निर्मित मिठाई खिलाएं और हरी डोरी वाली राखी बांधें। भाई बुध से संबंधित हरे रंग की वस्तुओं का दान करें तो उनके लिए शुभ रहेगा। 18 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करके उन्हें पंचमेवा काजू से निर्मित मिठाई और केले का भोग लगाना चाहिए। साथ ही श्री राधाए स्वाहा मंत्र की तुलसी स्फटिक की माला से 11 माला जाप करें, नहीं तो एक माला जरूर करें। 23 अगस्त बच 12 से गाय को चने की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु या चने की दाल खिलाएं। 31 अगस्त श्री गणेश चतुर्थी पर दुर्वा की बाला बनाकर ओम गंग गणपते नमः इसका एक माला जाप करते हुए गुड़ का भोग लगाएं। वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि और शांति रहेगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। मुझसे आप पर्सनल मिल भी सकते हैं और पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।